वेलकम टू अनदर वीडियो। ये है ब्लैक लोर का एपिसोड 145 का रिव्यू। तो जानते हैं क्या हो ब्लैक लोर का एपिसोड 145 में। तो उसकी शुरुआत हम देख पाते हैं कि लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जीक्यूशन की, मतलब खात्मे की, मैरी और नैरो की, जो कि सर्वेंट डेविल के इस कारण से, जो सभी सिर्फ और सिर्फ जस्टिस के लिए कर रहे हैं और इंसाफ के लिए कर रहे हैं। आई मीन जस्टिस और इंसाफ एक ही होता है। पर यहाँ पर समा बन चुका और सभी लोग इकट्ठा हो चुके हैं डेविल के सर्वेंट्स को मरते हुए देखने के लिए, मतलब राक्षस के या फिर शैतान के नौकरों को मरते हुए देखने के लिए, जिनके वजह से सब कुछ हुआ है, मतलब जिनके वजह से आई ऑफ मिडनाइट वाले यहाँ पर आए और जो भी सब कुछ डिस्ट्रक्शन हुआ उसके पीछे यही लोग थे। मतलब कम से कम ऐसा इन लोगों को तो लगता ही है। और वैसे यहाँ पर सभी छुपे हुए अपनी अपनी पोजीशन लेकर, जो तैयार जल्दी से अटैक करने पर इन लोगों के ऊपर और बचाने के लिए मैरी और नैरो को, जहाँ पर ये लोग काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं। मतलब मैजिक आइटम के साथ साथ ही लोग यूज़ कर सकते हैं ड्रग्स का, जो इनके ऊपर असर करके इनको काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचा सकती है। तो यह मोमेंट था 12 बजे का, जिसके लिए इनको इंतज़ार करना था जहाँ पर वो लोग आने वाले थे। मतलब हाँ, 12 बजे तक आने वाले थे और ये इंतज़ार कर रहे हैं कि इन्हें विक्टिम देखने को मिले, तभी ये लोग अटैक करेंगे। पर तभी यहाँ पर कोई ना कोई आ जाता है जो यहाँ वैनेसा को कहीं दूर ले जाने की बात करता है, जो कि इन लोगों ने प्लान किया था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर ये लोग आ चुके हैं और 12 बजते ही ये स्टेज के ऊपर पहुँच जाते हैं, जो कि यहाँ पर आए हुए हैं सभी डेविल्स को मारने के लिए और डेविल्स का खात्मा करने के लिए, जिन्होंने शपथ ली है। और ये लोग हैं डेविल वैनिशर, मतलब डेविल के खात्मा करने वाले। तो यहाँ पर ये आगे चल के जाहिर करते हैं अपने इंटेंशन की। यहाँ पर ये देखिए, ये है नैरो, जिसने फॉरबिडन मैजिक इस्तेमाल किया था जो डेविल के द्वारा पोजेस की गई है और इसके सींग निकल चुके हैं। और साथ में मैरी, इसने कुछ नहीं किया लेकिन ये डेविल के सर्वेंट है, पर अपना प्राइम टारगेट है आस्था, जिसको ये लोग यहाँ पर पकड़ना चाहते हैं और जिससे मेनली ये लोग अपना बदला लेके डेविल को ख़त्म करना चाहते हैं। और अगर वो सामने आ गया तो ये मैरी और नैरो को छोड़ देंगे, जहाँ ऐसा आस्था कर सकता है, मतलब अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी वो दे सकता है। जहाँ पर सामने आ जाता आस्था और बोलता है कि हाँ मैं आ गया सामने, इन दोनों को छोड़ दो, मतलब कि अल्टीमेटली वो अपनी कुर्बानी देने के लिए सामने आ चुका है। जहाँ पर लोगों ने उसको पत्थर मारना शुरू कर दिया, मतलब जहाँ उसने कहा कि हम डेविल को सर्व नहीं करते, हम डेविल के नौकर नहीं है, लेकिन लोग यहाँ नहीं मान रहे। तो यहाँ पर आस्था से लोग इसकी ग्रीमोर मांग लेते हैं, जहाँ आस्था बदले में कह देता है लेकिन पहले तुम्हें अपनी तलवार हटानी पड़ेगी विक्टिम्स के ऊपर से, मतलब जो भी तुमने कैप्चर किया है होस्टेज के ऊपर से अपनी तलवार हटानी पड़ेगी। जहाँ पर अपनी तलवार थोड़ी ढीली करते हैं और यहाँ पर देख पाते हैं कि आस्था ऊपर से आता है, जो कि उनके उस वॉल को डिस्ट्रॉय करने वाला, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर बनाई थी इन लोगों ने, जो कि उसकी हाइट के 5 गुना तक बढ़ सकती थी, जो हमने पहले जाना था। और दूसरा आस्था ग्रे थी, मतलब अपने सर पे ईंट खाने के बाद भी वो इतनी ब्रेव रही, जो काफ़ी कमाल की बात लगती है। तो यहाँ पर दोबारा लोग शुरू कर देते ड्रग की बौछार, मतलब अलग तरह के पॉइजन की बौछार और साथ में कुछ और इम्प्रेसिव अटैक्स भी, जिसको आस्था डोमिनेट कर रहा होता है। यहाँ फ्यूनरल फेल हो जाता है मैरी और नैरो को बचाने में, और साथ ही साथ बाकी सारे लोग भी ब्लैक बोल्स के यहाँ टूट पड़ते हैं दुश्मनों से लड़ने के लिए। मतलब अलग ही लेवल का जोश देखने को मिल सकता है इन लोगों का। पर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं मैरी और नैरो को लेकर, और कुछ और लोग भी डेविल वेनेचर के होते हैं जो कि लड़ने लग जाते हैं सब लोगों से। जहाँ पे पॉइजन वाला अपना धुआं छोड़ देता है, जिसको यहाँ पर नोलिल रोक लेती है, लेकिन कुछ नहीं हो पाता उसके बावजूद भी। मतलब उसका घेरा जो था वो काफ़ी हद तक पूरी तरह से डोमिनेट नहीं कर पाता उन सब चीज़ों को, मतलब उससे प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। मतलब जहाँ पे इस जुए में कुछ ऐसा है जो कि मानव को डिस्टर्ब करता है। पर आगे बढ़कर कैप्टन यामी सब चीज़ों को ठिकाने लगाते हैं, और साथ ही साथ हमें बाकी कैप्टन्स और बाकी सारे लोग भी काफ़ी कमाल की चीज़ें कर रहे हैं। मतलब कि रकम देख सकते हैं यहाँ पे एक्शन में, जो कि लगा हुआ है रोकने में इन सब लोगों को, मतलब क्योंकि उसके टीम के मेंबर इसमें थे, तो वो उसको अपोलोजाइज करते हुए यहाँ पर आगे अपने मोटिव को पूरा कर रहा है। जहाँ पे उस मिशन का पार्ट है, तो उस मिशन को सक्सेसफुल करने में अपने आप को झोंक चुका है। तो एक बात थी इस एपिसोड की, मतलब इस एपिसोड में जो एनिमेशन थी काफ़ी कमाल की थी, काफ़ी तेज थी, लेकिन इतनी क्वालिटी वाइज अच्छी नहीं थी। मतलब इसे बस बनाया गया था फिलहाल के लिए, जो शायद आगे चल के हमें देखने को मिल सकती है काफ़ी कमाल की एनिमेशन, क्योंकि ये सिर्फ एक फिलर काइंड ऑफ एपिसोड है, जहाँ पर फिलर तो है पर एक्शन ही बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। तो अब आगे इसमें देख पाते हैं हम लोग की कुछ लोग जो कि वेनेसा को लेके गए थे, वो सिर्फ इसको इसलिए लेके गए थे ताकि वो फेथ चेंज ना कर सके। और हाँ, ये लोग जानते कि ये लोग वेनेसा को नहीं ला सकते और ये लोग सुसाइड कर लेते हैं। जान को देख के ऐसा लगता है कि इनको शायद डेविल ने पोजेस किया है। मतलब कुछ तो अलग है यहाँ पर, कि डेविल से लड़ नहीं रहे, क्योंकि इन्हें देख के लग रहा है कि ये किसी के काबू में, मतलब खुद के सेंसेस में भी नहीं है। मतलब माना तो मैं डेविल को हराना है, लेकिन अपने इमोशन को तो मत खो। और इनके पास इमोशंस तक नहीं थे, जहाँ बिना चिल्लाए बिना दर्द झेले एक दर्दनाक मौत को गले लगा लेते हैं। तो इस सब के अलावा ये आस्था जाते हैं इन सबसे लड़ने के लिए और मैरी और नैरो को छुड़वाने के लिए, लेकिन जहाँ उनके गर्दन पर तनी हुई तलवार देखकर वो हार मान लेता है और अपना ग्रीमोर उन्हें दे देता है,
जहाँ उसके हाथ में हथकड़ी बांध चुके थे वो लोग और उसको एग्जीक्यूट करने वाले थे, क्योंकि ये अच्छा मोमेंट हो सकता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, मतलब उसका खात्मा करने के लिए। लेकिन तभी बाकी लोग रोक देते हैं ऐसा करने से, कि वो कहते हैं तुम डर गए हो तो मेरी रिचुअल फॉलो करना पड़ेगा, मतलब तरीके से करना पड़ेगा, मतलब उसे ऐसा नहीं करने देते अल्टीमेटली। तो आज तो तब भी कुछ जदोजहद करता है और यहाँ पर मैरी को बचा लेता है और उसके ऊपर वार होने वाला था, लेकिन यहाँ पर यूनो आ जाता है जो फिर इनकी खटिया खड़ी कर देता है। मतलब हाँ, यूनो से कैसे लड़ सकते हैं लोग, जो काफ़ी पावरफुल बंदा है और काफ़ी आसानी से इनको डोमिनेट कर पाता है। फिर जहाँ से ये किसी तरह से बचते बचाते गायब होकर वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ नैरो अब भी इनकी बंदी बनी हुई है। तो वो लोग वहाँ से निकल चुके और अब भी नैरो को लोग नहीं बचा पाए और मैरी यहाँ ठीक हो चुकी है, जिसके वजह से एक और कर्ज चढ़ चुका है गोचे का आस्था के ऊपर, मतलब आस्था का गोचे के ऊपर। तो आए की इन्वेस्टिगेशन हम जान पाते कि जो भी लोग यहाँ डेविल वेनिशर बनते हुए और आगे लड़ने के लिए इनसे आए थे वो सब हायर्ड थे, मतलब उन्हें पैसा देकर किराए पे लिया गया था। और यहाँ पे एक और मैसेज आता है उस बंदे का जो कि कीरा के अंडर काम किया करता था, और वो बताता है कि ये लोग यहाँ डेविल को मारने के लिए नहीं है, ये डेविल का खात्मा नहीं चाहते, ये उसकी शक्तियाँ चाहते हैं, और ये लोग डेविल का खात्मा करने वाले नहीं, डेविल को मारने वाले हैं, मतलब डेविल वेनिशर नहीं, ये है डेविल ब्लीवर्स। जहाँ पर उसके बाकी सभी मेंबर मारे जा चुके हैं जो कि उसके साथ थे, तो अब जानते हैं क्या हो सकता है ब्लैक होल एपिसोड 146 में इसके प्रीव्यू के साथ। तो जहाँ पे ये लोग इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं उस जगह पर जहाँ पर कीरा का साथी था, और कीरा के साथी के साथ जो भी हुआ वो लोग देख पाते हैं उस जगह का हाल देख कर, और अब जान पाएंगे कि क्या क्या होगा कीरा के साथी के साथ, जो काफ़ी खतरनाक होगा, मतलब वो पिटेगा इन लोगों से। और जहाँ पर वो जान पाएगा कि इनका रियल मोटिव इंसाफ या कुछ और नहीं, इनकी बस मोटिव है खुद से डेविल की शक्तियाँ कंज्यूम कर पाना, और आस्था इवल नहीं है, और ये भी जान पाएगा वो, और देखते हैं क्या क्या और जान पाता है ये, और क्या गोचे अपनी बहन का बदला ले पाता है सब लोगों से, और इन सब की खटिया खड़ी कर पाता है अगले एपिसोड में। जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा ब्लैक होल का एपिसोड 146। तो वैसे आप क्या सोचते हैं कि क्या हो सकता है ब्लैक होल का एपिसोड 146 में, अपने विचार नीचे कमेंट सुनाना बिल्कुल, बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल। मिलते हैं अगली वीडियो में, सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।